सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ये अम्ब्रेला कट डिजाइनर कुर्ती कैसे बनाएं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अम्ब्रेला कट और डिजाइनर कुर्ती रहेगी ये एक ही पीस में रहेगी, तो अभी आपको बताती हूँ कैसे बनाएं। तो देखिए ये मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसमें आप देख सकते हैं ये हमारी डिजाइन है कुछ, तो ये स्ट्रेट आ रही है तो हम उसी हिसाब से इसमें कटिंग करेंगे, एक साथ दोनों पीस कट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आप इसका अर्ज देख लें कितना है, जो कपड़े का विड्थ रहता है उसी हिसाब से हम इसको फोल्ड करेंगे और उसी हिसाब से इसके 2 पीस कट करेंगे हम। तो देखिए इस तरह से आप इसका एक कोने से लेके दूसरे कोने तक देख लें, देखिए हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो इतना पीस और एक और पीस ले लेते हैं हम। तो इसमें क्या होगा कि जो डिजाइन है हमारी वो बराबर से आ जाएगी, हम डायरेक्ट कट करेंगे दोनों पीस ऐसे ही फोल्ड करके, तो डिजाइन है एक तरफ उल्टी और एक तरफ सीधी रहेंगी और इसी माप के मैं दोनों पीस कट कर लेती हूँ। देखिए मैंने दोनों पीस कट कर लिए हैं और इस तरह से मैंने सेट कर लिए, जो हमारे एरो ये स्ट्रेट जा रहे हैं और आप इसमें भी देखेंगे तो भी इस तरह से स्ट्रेट जा रहे हैं। तो आप अगर इस तरह की डिजाइन का कपड़ा है आप, तो दोनों पीस अलग करके फिर दोनों सेट कर लें। तो ये हमने बराबर से कर लिए हैं, अभी हम इसकी फोल्डिंग करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था ये अम्ब्रेला कट में रहेगा और ये डिजाइनर भी रहेगा, तो देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, इसको बराबर से कर लें। तो देखिए मैंने इस तरह से अम्ब्रेला कट में फोल्ड कर दिया है इसको, ये देखिए ऐसे देखेंगे आप स्ट्रेट है और इस तरफ देखेंगे आप इस तरह से आड़ा जाएगा। तो फोल्ड करने के बाद अभी हम इसके साइज़ के अनुसार कट करते हैं। तो जो ये बंद हिस्सा है ये हमारा सेंटर में आएगा, ये जो खुला हिस्सा है यहाँ से हमारी कमर चेस्ट और वेस्ट ये सभी यहाँ से इस तरह से कटिंग हो जाएगा, ये सेपरेट पार्ट बच जाएगा। तो देखिए हमको जो शोल्डर लेना है ये ऊपर की तरफ से लेना है, तो जैसे हमारा शोल्डर है 12 इंच, तो देखिए ये हमारा 4 फोल्डिंग है तो हमने ये 6 इंच ले लिया है डबल फोल्ड के हिसाब से, और यहाँ से मुड्ढे लेते हैं सेम 6 इंच। उसके हिसाब अपना साइज़ देख लें, जैसा कि मैं इसको 36 साइज़ का बना रही हूँ तो देखिए ये हमारा 9 इंच आएगा, और इसमें ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अम्ब्रेला कट है, इसमें 1 इंच मार्जिन काफ़ी है, तो मैंने ये 10 इंच लिया है। और यहाँ से हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखिए हमारी ये चेस्ट की लाइन हो जाएगी। इसके बाद शोल्डर से लेंगे कमर का मेजरमेंट, तो हमारी कमर 14 इंच पे है तो यहाँ से मार्किंग कर लें, तो कमर हमारी जैसे 16 है तो देखिए 8 इंच आएगा और 1 इंच ही एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जैसे हमने ऊपर लिया है तो मैंने 9 इंच लिया है। यहाँ से अभी हम वेस्ट लेंगे जो मुड्ढे, तो देखिए हमारा जो कट आ रहा है 14 इंच पे है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो 15 इंच पर भी ले सकते हैं, कम है तो 13 इंच पर। तो देखिए वो हमारा 40 इंच है जो हिप साइज है, तो देखिए 10 आएगा और इसमें सेम 1 इंच लेंगे तो 11 इंच ले लें। अब इन तीनों पॉइंटों को हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम नीचे की तरफ लेते हैं, तो ये नीचे क्या है, यहाँ से हम पूरा क्लोज ही रखेंगे इसको और जो हमारी ये साइड है ये ओपन रहेगा, तो आपको जितना घेर चाहिए, इसमें ज़्यादा घेर अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये डिजाइन हमारी आ रही है, इसलिए अगर आप इसको डायरेक्ट अम्ब्रेला कट बनाते हैं टोटली अम्ब्रेला कट तो आपको यहाँ से पूरा इसको घेर ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो इसका घेर देखिए 17 इंच आ रहा है ये डबल में, तो आप सिंगल करेंगे 34 एक पार्ट रहेगा, तो इस सेम ड्राफ्ट में हम कट कर लेंगे। यहाँ पर जो गोलाई देनी है हमको 1.5 इंच की देनी है। तो देखिए ये दोनों पीस मैंने अलग अलग कर लिए हैं,
देखिए ड्राफ्ट हमारा इस तरह से आ रहा है। और अब इसकी लंबाई देखेंगे तो इसकी हमारी काफ़ी लंबाई आ रही है। अभी आपको बता देती हूँ कितना लंबाई लेना है। तो देखिए यहाँ से आप शोल्डर से मेजरमेंट करेंगे तो देखिए इसकी लंबाई 44 इंच आ रही है और तैयार में 43 इंच आपकी हो जाएगी, क्योंकि शोल्डर पर स्टिचिंग हो जाएगा, नीचे फिनिशिंग हो जाएगा। तो 43 इंच की लंबाई में आप इसको बना सकते हैं। हमने लिया कितना था, ओनली 35 इंचेस। तो अभी मैं इसमें नेक ड्रॉ करती हूँ, तो दोनों पीस अलग अलग कर लें और उसके बाद नेक ड्रॉ करते हैं। तो देखिए शोल्डर से 2.5 इंच डीप आप अपने साइज़ के अनुसार ले सकते हैं। जैसे मैं बैक साइड का ले रही हूँ, तैयार में 5.5 इंच रहेगा, मैंने 6 इंच लिया है। इस तरह से गुलाई कर देंगे, नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा डीप रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। सेम ड्राफ्ट में कट कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो जाए, जो पीस निकला है इसी ड्राफ्ट को रख के मैं इसमें पाइपिंग देने वाली हूँ। आप कोई भी कलर, जैसे मेरा इसमें ब्लू है तो मैं इस ब्लू कलर की पाइपिंग दूंगी और इस ड्राफ्ट को रख के कपड़ा कट करूँगी। तो पहले आपको फ्रंट नेक बता देती हूँ, इसको साइड में रखती हूँ। बराबर से सेट कर ले, आगे पीछे ना हो पीस। सेम 2.5 इंच लेंगे नेक से, और जैसे मैंने बताया आप डीप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। मैंने 6.5 इंच लिया, तैयार में 6 इंच रहेगा और इसमें कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे इस तरह से यहाँ से मैं सेम लेके नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड करके और इसको इस तरह से थोड़ा सा वी शेप दे देती हूँ। सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेंगे। स्लीवलेस बना रही हूँ और इसी ड्राफ्ट को रख के, जैसे मैंने बताया कैनवास नेक पट्टी, अभी मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग कर देती हूँ हाफ इंच की। अगर आप स्लिप वाला बनाते हैं तो सेम स्लिप भी बना लें अपने साइज के अनुसार, 3/4 या शॉर्ट जैसा वह पहनते हैं। सेम ड्राफ्ट को कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी सभी ड्राफ्ट को रख के हम कैनवास नेक पट्टी कट करेंगे, जो यहाँ पे फिनिशिंग के लिए मैं सेम इसी कलर को यूज़ करूँगी। और देखिए नीचे भी जो हमारा इस साइड की फिनिशिंग देना है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा क्लोज रहेगा, यहाँ से इसकी फिनिशिंग देंगे और इसी कपड़े का मैं बॉर्डर बना के उससे इसकी फिनिशिंग दूँगी। इससे क्या है कि पूरा कुर्ती का लुक बेहतर आ जाएगा। तो देखिए अभी इन ड्राफ्टों को रख के मैं कैनवास कट कर लेती हूँ और इसकी चौड़ाई 1 इंच लूँगी और जो कपड़ा कट करूँगी इसकी चौड़ाई 1.5 इंच। तो देखिए मैंने कैनवास दोनों पीस रख के कट कर लिए हैं और सेम ये पीस रख के मैं नेक पट्टी कट कर लेती हूँ, जिसकी चौड़ाई जैसे मैंने बताया 1.5 इंच लेना है। तो देखिए इसका सिलाई जो है मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, आप वो वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपकी पूरी कुर्ती सिल सके। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।